हेलो एवरीवन, आइए चलिए मेरे साथ बनाते हैं दही पकोड़ा, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 1 कप बेसन, 1 कप स्लाइस्ड अनियन, कटी हुई पालक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, बेकिंग सोडा, और यहाँ पे चाहिए 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून धनिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ज़ीरा एंड 1 टेबल स्पून घी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डालिएगा 1 कप दही। अब इसमें ऐड करूंगी 4 टेबल स्पून बेसन, 2। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ऐड कीजिएगा 1/2 स्लाइस्ड अनियन, फिर ऐड कीजिएगा नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। इसके बाद ऐड कीजिएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये अच्छे से मिक्स होने के बाद अब ऐड कीजिएगा पानी। जितना हमने लिया था 1 कप दही, तो अब जाएगा 6 कप्स पानी। ये हो गया है रेडी। अब चलिए ले लीजिए एक वेजल, इसमें डालिएगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होते ही सबसे पहले डालिएगा मेथी दाना, फिर जाएगा ज़ीरा, थोड़ी सी हींग और सूखी हुई लाल मिर्च। जाएगा हमारा मिक्सचर, इसे स्लोली कुक होने देते हैं। ये देखिए, हम इसे आधे घंटे छोड़ देते हैं पकने के लिए। इन द मीनवाइल हम तैयारी करते हैं बनाने के लिए पकौड़ी। सबसे पहले ले लीजिएगा बेसन, फर्स्ट ऐड कीजिएगा नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, फिर ऐड कीजिएगा थोड़ा सा धनिया, ऐड कीजिएगा पालक, कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे एक बैटर बना लीजिए। 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। ये रेडी हो चुका है आपके पकौड़ी का बैटर। ये देखिए इसे पकते हुए, इसे ऐसे ही और पकने देते हैं जब तक हमारे पकौड़ी रेडी हो जाएंगे। अब एक कढ़ाई ले लीजिए और ऐड ऑयल। तेल हो गया है गरम, अब डालते हैं पकौड़े। इसे लो फ्लेम पर कुक करिएगा, फ्राई करिएगा। इसे हाफ कुक होने के बाद निकाल लीजिएगा। इसे रेस्ट करके फिर से हम ऑयल में फ्राई करेंगे। अब फ्लेम को हाई कर ये पकौड़ी फिर से डालेंगे, फिर से फ्राई करेंगे। ये देखिए आपके परफेक्ट पकौड़े। Look at the difference. ये हाफ कुक है और ये पूरे फ्राई। अभी चलिए इसे भी फिर से फ्राई करते हैं। ये रेडी हो चुके हैं आपके गर्मा गर्म पकौड़े। चलिए देखते हैं कढ़ी का क्या हाल है। ये भी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम लास्ट एंड फाइनल तड़का ऐड करते हैं। देखिए ये भी रेडी है। कढ़ी हो चुकी है रेडी। ऐड कीजिएगा पकोड़े। ये बहुत मज़े की लग रही है। और अब चलती है लास्ट तड़के के लिए। एक छोटा सा वेजल ले लीजिए, ऐड कीजिएगा असली घी, इसमें डालिए धनिए के दाने, जीरे के दाने, ज़ीरा। अब लास्ट में डालते हैं, इसे नॉब को बंद कर दीजिएगा और अब डालिएगा इसमें 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। इसे डालते हैं और ये आपकी दही पकौड़े रेडी है। होप यू लाइक इट। Please like and subscribe to my channel.
और ये एंजॉय करिए गर्मा गर्म खाने के साथ।